इंदौर में भी सोमवार से दूसरे चरण के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने के चलते यह देरी से शुरू हो पाया। जब ऑनलाइन सिस्टम ने काम नहीं किया तो ऑफलाइन तरीके से बुजुर्गों को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर अमित मालाकार का कहना है कि अभी जिले भर में 10 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। एक दिन में एक सेंटर पर 500 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लगभग 200 व्यक्ति प्रत्येक सेंटर पर आएंगे। वहीं वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि जिस दिन वैक्सीन लगने की घोषणा हुई थी, उसी दिन से उन्हें इंतजार था कि उनका नंबर कब आएगा और उनको वैक्सीन लगेगा। आज उनका नंबर आया है, वह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। देखिए, आज पोर्टल 9 बजे से एक्टिवेट होना था, कहीं कारणवश पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन चूंकि बुजुर्गों के लिए आज वैक्सीनेशन का फर्स्ट डे है और बहुत सारे बुजुर्ग आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे जो वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, उनके लिए अभी राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार उन लोगों को ऑफलाइन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू करा दी गई है और सभी को सुचारू रूप से वैक्सीन लग सके ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। देखिए, टोटल 500 को हम टारगेट कर रहे हैं, पूरे दिन भर में 500 लोगों को वैक्सीन लग जाए। इस तरह से हमारे 5 वैक्सीनेटर, 5 वेरीफायर की व्यवस्था है, हर साइट पे हमने कोशिश करी है, फिर भी मिनिमम ये मान के चलें कि 200 से 250 के आसपास वैक्सीनेशन हमें करना ही है।